नमस्कार, रमाशु की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे आलू और हरे सेब की सब्जी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। रमाशु की डिलीशियस रेसिपी को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब में बने हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं। जो भी रेसिपी बनाऊंगी आप तक तुरंत पहुँच जाएंगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम हरी सेब। मैंने सेब को अच्छी तरीके से धो लिया है और इसके बाद मैंने इस तरीके से इसकी किनारों को छील लिया है। देखिए ये किनारा इसका टाइट होता है, तो इसे हमें इस तरीके से इसे छील लेना है दोनों साइड से। और फिर इसे हमें छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। इस तरीके से मैंने इसे काट कर तैयार किया है। 2 बड़े साइज के आलू मैंने छील कर काट लिया है और इसे धोकर रख लिया है। और इसके अंदर डालने के लिए हमने 2 बड़े चम्मच हरी धनिया लिया है। 4 चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप सब्जी को बनाते हैं। नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है। 1/2 चम्मच हमने जीरा लिया है, खड़ा जीरा। 2 टमाटर मैंने काट कर रख लिए हैं। 1 बड़ा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। 1/2 छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 3 से 4 पिंच हींग, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 2 हरी मिर्च मैंने छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। 1 टुकड़ा अदरक का मैंने छोटे टुकड़े में काटा है। 7 से 8 कलियां लहसुन का मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है। और 1 बड़ी प्याज मैंने छील कर और इसे भी छोटे टुकड़े में काट लिया है। और मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। आप चाहें तो इसे छोटे टुकड़े में काट सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। आप जिस तरीके से चाहें सब्जी को बना सकते हैं। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इस सब्जी को हम कुकर में बनाएंगे, आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन ये सब्जी कुकर में बहुत जल्दी बन जाती है। मैंने गैस के ऊपर प्रेशर कुकर रख दिया है, गैस मैंने ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर हम तेल डाल देंगे, इसे गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर जीरा डाल देंगे, इसे हल्का सा गुलाबी होने देंगे। और इसके साथ ही इसके अंदर हम अदरक, प्याज, मिर्च और लहसुन भी डाल देंगे। और इसके साथ ही दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर तेज पत्ता या फिर करी लीव भी डाल सकते हैं। आंच को मीडियम पर रखेंगे और इसे हल्का गुलाबी होने तक हम भून लेंगे। और प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ये सारे मसाले डाल देंगे। तेल के साथ इसे भून लेंगे। 1 मिनट तक हम इसे मसालों को तेल के साथ भूनेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है और इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसके अंदर हमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, जब तक टमाटर हमारा सॉफ्ट नहीं हो जाता है। टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर सब्जी डालेंगे, हरी सेम को डाल देंगे, आलू भी इसके साथ ही हम डाल देंगे। अगर आप चाहें तो आलू और सेम को अलग से फ्राई करके भी डाल सकते हैं और इस तरीके से भी इसे भून सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे मिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक हम भून लेंगे। सब्जियों को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। ये हमें ध्यान रखना है, सब्जी भूनने के पहले हमें नमक नहीं डालना है, नहीं तो सब्जियों में से पानी छूटने लगता है। ये सब्जी हमारी भून चुकी है, इसके अंदर हमें नमक डालना है। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है। 1 चम्मच नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसे हम मिला देंगे। अगर हमें ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है तो इसके अंदर हमें इच्छा अनुसार पानी डालना है, जितना आप ग्रेवी रखना चाहें। लेकिन हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है। तो हम इसके अंदर 3 से 4 चम्मच पानी डाल देंगे। इसे मिलाएंगे। इसके ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे, इसकी खुशबू इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है। हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे, आंच को हम मीडियम रखेंगे और इसमें 2 सीटी आने देंगे। 2 सीटी आने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था। अभी कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे खोलेंगे और सब्जी को चेक करेंगे। सब्जी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है और इसके ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। इसे मिला देंगे।
सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इसे हरी धनिया से गार्निश कर देंगे और हमारी हरी सेम और आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे रोटी, पराठे या फिर चावल के साथ खाइए। ये सभी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।